हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं लाई हूँ हर खाने का टेस्ट बढ़ा देने वाले रायते की रेसिपी, जिसे आज मैं बनाऊंगी 3 डिफरेंट वेज में। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं बना रही हूँ प्लेन रायता, जिसके लिए मैंने लिया है 1/2 कप दही। और दही को अच्छी तरह से विस्क कर लेंगे। दही काफ़ी थिक है तो इसमें मैं थोड़ा सा पानी ऐड करूँगी। ज़्यादा पानी नहीं डालना, सिर्फ 1 टेबल स्पून पानी मैं इसमें डाल रही हूँ। ये रायता थोड़ा सा थिक ही रहता है, इसको बहुत ज़्यादा थिन नहीं करते हैं। 1/4 टीस्पून ज़ीरा है, ये भुना हुआ ज़ीरा का पाउडर है। ज़ीरे को मैंने भून के और इसको पीस लिया था। और 1/4 टीस्पून काला नमक मिक्स कर लेंगे। और बहुत थोड़ा सा मैं इसमें मिंट डाल रही हूँ, थोड़ा सा हल्की सी स्मेल आती है मिंट की, तो अच्छा लगता है फ्लेवर। बहुत थोड़ा सा मैंने डाला है और ये रेडी हो गया हमारा प्लेन रायता। आपको अगर थोड़ा थिक लगे तो आप इसमें पानी थोड़ा ज़्यादा ऐड कर सकते हैं, लेकिन मैं इसमें पानी बहुत थोड़ा सा डालती हूँ क्योंकि ये रायता थिक ही अच्छा लगता है। अब इसे सर्व कर लेते हैं। और ये रेडी हो गया हमारा प्लेन रायता। सेकेंड मैं बना रही हूँ बूंदी का रायता। इसके लिए मैंने 1/2 कप दही ले ली है। दही को सबसे पहले विस्क कर लेंगे। ये दही को मैंने विस्क कर लिया है। अब इसमें हम पानी ऐड करेंगे, तो इसमें लगभग 3 से 4 टेबल स्पून पानी जाएगा, क्योंकि इसमें हम बूंदी डालने वाले हैं और बूंदी काफ़ी सारे पानी को एब्जॉर्ब करती है, तो ये वैसे भी थिक होने लगता है। और ये बूंदी का रायता है, ये थोड़ा सा थिन होता है, ये ज़्यादा थिक नहीं होता है। तो ये 1/4 टीस्पून ज़ीरा पाउडर, 1/4 टीस्पून काला नमक है और 1/4 टीस्पून ही मैं इसमें चाट मसाला डाल रही हूँ। चाट मसाला का फ्लेवर इसमें काफ़ी अच्छा लगता है। और ये बूंदी का रायता है तो इसमें लाल मिर्च पाउडर तो ज़रूर पड़ेगा, तो ये 1/2 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर, थोड़ा सा ये चटपटा होता है, मिक्स कर लेंगे अच्छी तरह से। और अब मैं इसमें बूंदी ऐड करूँगी, तो ये 1/4 कप बूंदी मैं इसमें डाल रही हूँ। आप चाहें तो बूंदी को थोड़ी देर गर्म पानी में 5 से 10 मिनट तक भिगो के फिर डाल सकते हैं, लेकिन मैं इसको डायरेक्ट ही डाल रही हूँ। इसमें गलने में टाइम नहीं लगता, थोड़ा सा 10-15 मिनट आप इसे रख देंगे तो ये अपने आप ही सॉफ्ट हो जाएगा। इसलिए इसको गर्म पानी में ना भी डालें तो कोई मुश्किल नहीं है, आप चाहें तो डाल भी सकते हैं। और ये हमारा बूंदी रायता भी रेडी हो गया है। इसमें मैं डाल दूँगी थोड़ा सा हरा धनिया और अब इसे सर्व कर लेंगे। आप इसमें बूंदी की क्वांटिटी बढ़ा सकते हैं, मैंने थोड़ी सी डाल दी है क्योंकि वैसे भी ये अभी जब पानी सूख लेगी और सॉफ्ट हो जाएगी तो काफ़ी थिक भी दिखने लगती है। रेडी हो गया हमारा बूंदी का रायता। और अब लास्ट मैं बनाऊंगी वेजिटेबल रायता। इसके लिए भी मैंने 1/2 कप ले ली है दही। इसको विस्क कर लेंगे सबसे पहले। दही को अच्छी तरह से विस्क कर देने के बाद अब हम ऐड करेंगे पानी। इसमें मैं थोड़ा सा ज़्यादा ही ऐड करूँगी, यानी कि 4 टेबल स्पून पानी मैं इसमें भी ऐड कर दूँगी। मिक्स कर लेंगे। मसालों में 1/4 टीस्पून काला नमक, 1/4 टीस्पून ज़ीरे का पाउडर और ये 1 हरी मिर्च मैंने बिल्कुल बारीक काट के ले ली है। इससे रायते का फ्लेवर बहुत ही अच्छा आता है। और 1/2 टीस्पून डाल देंगे इसमें मिंट लीफ कटा हुआ, बिल्कुल बारीक मैंने इसे काट लिया था। और 1 टीस्पून हरा धनिया, ये भी बिल्कुल बारीक कटा हुआ है। और ये 1 टेबल स्पून मैंने लिया है खीरा बारीक कटा हुआ। 1 टेबल स्पून ही प्याज लिया है और 1 टेबल स्पून बारीक कटा हुआ टमाटर है। टमाटर के मैंने सीड हटा के काट लिया था। और मिक्स कर लेंगे। और ये हमारा वेज रायता भी रेडी हो गया है, इसे भी सर्व कर लेंगे। और ये हमारे 3 तरह के रायते रेडी हैं। आपको जो पसंद आए बनाए, बहुत ही टेस्टी है, आप सारे ही ट्राई करें। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक का बटन क्लिक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।